सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बेटा मैं तो मेरी शुरुआत हिंदी से हुई, लेकिन मैं भोजपुरी में आई भी, और मैंने बहुत सारे बच्चों की मतलब शुरुआत हमारी हुई, मनोज तिवारी, रवि, सबकी माँ बनी। और माँ क्या होती है, वो चाहे लंदन की माँ हो या इंडिया की माँ या किसी गांव की माँ हो, माँ एक बुनियाद होती है। माँ ही है जो पता लगता है कि हम क्या हैं। तो इस फिल्म में जो इनका टाइटल है ललनवा, जुगजू जीवन ललनवा, पहला शब्द शायद ये माँ की आत्मा का ही होता है कि मेरा बच्चा जुगजुग जी है। तो इससे पता चल गया कि हमारी फिल्म क्या है, इसकी बुनियाद ही जो इतनी खूबसूरत है, इतनी मजबूत है और इतना संस्कारी है कि फिल्म के बारे में और क्या कह सकते हैं। निश्चित रूप से अच्छी फिल्म होगी। हाँ, दिलीप जी से हमारी मुलाकात बहुत दिनों के बाद हुई। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और मैं हमारा सौभाग्य है कि हम लोग इस फिल्म में उनका आगमन हुआ और उनका आशीर्वाद मिला। टाइटल को लेके बहुत अच्छा सोचता हूँ मैं। कई बार मेरी ये बहस होती है लोगों से कि आप लोग हिंदी की पुरानी फिल्मों के टाइटल क्यों रखते हैं, क्या भोजपुरी टाइटलों की कमी हो गई है, क्या प्रॉब्लम है? लोग घिसे पिटे तौर पर जो हिंदी फिल्में हैं उनके टाइटल ले लेके चले आ रहे हैं। तो ये अपना एक देशी टाइटल पूरा जुग जुग जिया हो ललनवा, मैंने जब पढ़ा और जब इस फिल्म के बारे में बात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह के ही टाइटल हमारी फिल्मों के होने चाहिए। और इसकी कथा वस्तु जो है, राकेश त्रिपाठी जी इस फिल्म के राइटर हैं, उनसे जो कुछ मैंने सुना है तो टाइटल पर बिल्कुल सटीक बैठती हुई कहानी है इसकी। बाकी तो बहुत ज़्यादा खुलासा मैं नहीं कर पाऊँगा, राकेश जी बताएंगे बेहतर, लेकिन एक बेटे और बाप के संबंधों पर आधारित पूरी कहानी है। और निर्देशक महोदय जो हैं हमारे, बहुत हिट सीरियल्स बनाए हैं, घर पहुंचा द देवी मैया, मैं देखता था उस समय, मेरा भी महुआ पर कलुआ डी चल रहा था, इनका ये चल रहा था, पुष्पा जी ने काम भी किया है, तो मैं उनका भी फ़ैन हूँ, उनके काम का फ़ैन हूँ। और आज मुझे ये मौका मिला है कि उनके साथ काम करूँगा। बस इस फिल्म के लिए तमाम शुभकामनाएं हैं सभी साथी कलाकारों को और तकनीशियनों को जिनके साथ हम लोग काम करने जा रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आपने 15 साल दिया है और मुंबई में आपने 10 साल बिताया। देखिए, जब मैंने ये डाला था कि बम्बई में 10 साल हो गए, उसका एक छोटा सा कारण था। कारण ये था कि जो रिटायरमेंट का समय है, 50 साल की उम्र में मैं बॉम्बे आया, जबकि लोग बिस्तर समेट के बहुत लोग चले जाते हैं और आने का सही समय बोलते हैं कि यार 22-23 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में बॉम्बे आना चाहिए, लेकिन मैं 50 साल की उम्र में आया क्योंकि जो पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सेटल करना, वो करने के बाद आया। और 10 साल में सभी मुंबा देवी ने मुझे यहाँ रखा और मैं आप लोगों की दुआ से अच्छा काम कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि ये लिखना चाहिए कि अभिनय के लिए या काम करने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है। आज मुझसे भी सीनियर लोग बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। अमित जी को सबसे अच्छी तरह देखता हूँ मैं, मतलब क्या भाग्य लेके और क्या कर्म लेके वो आदमी पैदा हुआ है। अभी उनके रैम शो का एक वीडियो देख रहा था, क्या ऊर्जा दिखाई देती है, 75 साल की उम्र में वो आदमी क्या काम कर रहा है। तो मैं ये आने वाले लोगों को बताना चाह रहा था जो बहुत जल्दी हिम्मत हार के चले जाते हैं। इसलिए मैंने लिखा था कि 10 वर्ष बम्बई में मुझे हुए, बस इसका कहने का यही तात्पर्य था। और आगे भी काम करता रहूँ, आप लोग ये आशीर्वाद दें, धन्यवाद। सबसे पहले तो, और दिवाली ख़त्म हुई है, छठ पूजा ख़त्म हुई है, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। दिलीप जी आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस फिल्म में एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, इस फिल्म से मैं इसीलिए जुड़ा हूँ क्योंकि अखिलेश सिंह इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, वो इस फिल्म के EP हैं। और मैं अपनी शुभकामनाएँ देने आया हूँ इस फिल्म में क्योंकि मैं अखिलेश सिंह के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए उसकी हर चीज़ों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ जहाँ पर वो है तो मैं भी हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो जहाँ से जहाँ भी रहे अच्छा करे,
तो इसीलिए मैं इस सेट पर आया हूँ। दिलीप सर आए हैं आज आशीर्वाद देने इस फिल्म को, उनके बारे में क्या कहना? दिलीप जी के बारे में क्या कहूँ, अब देखिए मैं अभी सामने बैठा हूँ और वो सूरज की रोशनी मेरे आ रही है, अभी मैं सूरज के लिए क्या कहूँ आप बताइए, मतलब एक सूरज सामने चमक रहा है एक बगल में, अभी इनको मैं क्या मेरे शब्द, क्योंकि ये खुद इतने बड़े राइटर हैं कि मैं इनके बारे में कुछ शब्द कहूँ वो बहुत छोटे पड़ जाएंगे, तो मैं इनके लिए कुछ, मैं सूरज से इनकी तुलना कर रहा हूँ, उससे बड़ी तुलना हो नहीं सकती। आने वाली क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, क्या फिल्में हैं? मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा टीवी में इन्वॉल्व रहता हूँ, अभी भी मेरा एक शो चल रहा है परम अवतार श्री कृष्ण एंड टीवी पे, एक और शो आने वाला है उस पर मैं बहुत अच्छा कैरेक्टर कर रहा हूँ, भोजपुरी से जहाँ तक ताल्लुकात है मैंने अभी तक 10-12 फिल्में की हैं भोजपुरी में, अभी एक फिल्म कर रहा हूँ मैं प्रदीप पांडे चिंटू के साथ या अली बजरंग बली, इसकी शूटिंग के लिए मैं जा रहा हूँ बनारस, एक और फिल्म अखिलेश सिंह के साथ ही कर रहा हूँ मैं फरवरी में जो है भोजपुरी, ये मेरी इस भोजपुरी इंडस्ट्री से ये ताल्लुकात है मेरा, मैं टीवी ज़्यादा करता हूँ और एक प्रोजेक्ट जब करता हूँ तो पूरा साल भर चलता है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा एक बात अभी मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, अभी जो मिश्रा जी ने ना हमारे प्रोड्यूसर ने बात की ना हमारे साथ, देखिए बहुत अच्छी बात उन्होंने की, मैं चाहता हूँ इस बात को आप थोड़ा सा अंडरलाइन करें आप लोग भी, कि उनकी पहली फिल्म है एज ए प्रोड्यूसर राइट, तो उन्होंने एक बात की कि हमने टाइटल ही ऐसा रखा है जुग जुग जिया हो ललनवा, जो अपने आप में कहता है कि पारिवारिक फिल्म है, तो मैं कहूँगा कि यार ये एक अच्छे निर्माता के बड़े अच्छे सिम्टम्स दिखे इनमें ये बात कहते हुए, एक तो उन्होंने ये मन बनाया कि हम एक फैमिली इंटरटेनर, हम एक पारिवारिक फिल्म बनाएँ, दूसरा उन्होंने टाइटल जो रखा उसका कहानी से सीधा लेना देना है, आजकल लोग टाइटल अपना फिर भी रख लेते हैं, तो मैं उनके इस विश्वास की ज़रूर सराहना करूंगा जो उनके अंदर है, इस बात को आप थोड़ा अंडरलाइन करें कि उन्होंने शीर्षक पे बात की और शीर्षक को जस्टिफाई किया उन्होंने, और वाकई वो टाइटल है ऐसा जो पारिवारिक फिल्म की तरफ आपको ले आता है, यार ये मिश्रा जी ने बड़ा अच्छा तीर छोड़ गए, ये इसको ज़रूर लगाना है, बहुत शानदार बात इन्होंने कह गए, इससे मैं अगेन एक बार और शुभकामनाएं दूंगा कि ये उनका एक साफ सुथरा जो मामला है वो आगे जाके सफलता की तरफ बढ़े। और दिलीप जी आप की बात को एक्चुअली, हाँ हीरो हीरोइन तो नहीं है, हम लोग एक स्टोरी के सेंट्रल कैरेक्टर ज़रूर हैं, हमारा ये प्यार थोड़े ही देर के लिए है, फिर मेरी ज़िंदगी में उदासी ही उदासी है, इनके बिना मुझे पूरी फिल्म में गुजारनी होगी, थोड़ी देर का ये प्यार था। लोग खलनायक से प्यार करना महंगा पड़ा? नहीं ये फिल्म में खलनायक नहीं है, खलनायक से प्यार करना इनको अच्छा पड़ा, मैं मर गया तभी तो आगे बढ़ी कहानी। सही बात है, कहानी ही कुछ ऐसी है कि इनके डेथ के बाद मैं फिर बाद मेरी वेज में भी है और फिर बच्चों को लेकर कैसे आगे परवरिश करती हूँ, बच्चा खो जाता है सब। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर बात की जाए तो क्या? हाँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे घर के ही हैं, डायरेक्टर राकेश सिन्हा जी, जिनके साथ मैंने बहुत सारा काम कर चुकी हूँ, बहुत सारे सीरियल्स उनके साथ कर चुकी हूँ, और प्रोड्यूसर जो हमारे शुभम भाई हैं वो भी हमारे फैमिलियर हैं, मेरी दुआएं उनके साथ है कि ये फिल्म बहुत अच्छी बने और सुपरहिट हो। मैं क्या कहूँ इस फिल्म के बारे में बताऊँ कि अपने कैरेक्टर के बारे में बताऊँ क्या सुनना चाहिए? कैरेक्टर होता है और मोना जी के साथ गाना करके कैसा लगा? ये बहुत अच्छा लग रहा है गाना करके, ऐसा लग रहा है कि बाप रे बाप किसी ने 10 किलो बोझा डाल दिया मेरे ऊपर। डायलॉग रहता है 10 पेज का स्क्रिप्ट तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन एक गाना कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए लगता है शायद हम लोगों ने कभी गाना पर बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर ध्यान देंगे एक दो गाना के बाद शायद हम भी अच्छा गाना करने लगे, मुझे लगता है ऐसा, झिझक निकल जाएगी। और बहुत खूबसूरत गाना है, विनय बिहारी जी का संगीत है, आलोक जी ने गाना गाया है, और इतनी अच्छी अदाकारा हैं, बहुत कमाल की मोना जी एक्ट्रेस हैं, इतने सीरियल्स किए हैं इन्होंने, काफ़ी फिल्में भी की हैं इनका, मैंने एक फिल्म भी देखी थी हाल फिलहाल, इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड, हिंदी में बड़ी अच्छी फिल्म थी, राजकुमार गुप्ता जिसके डायरेक्टर थे, तो अच्छा लगता है एक अच्छे कलाकार के साथ काम करना, और ठीक है हमारे स्टेप्स कमज़ोर हो सकते हैं लेकिन रिएक्शन सही रहते हैं। बिल्कुल रिएक्शन बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया इनके साथ गाना करके, और मैंने तो पहली बार इनके साथ मैंने काम की हूँ, अभी बहुत दिनों के बाद मैं भोजपुरी कर भी रही हूँ क्योंकि हमारे घर की फिल्म है इसलिए मैं कर रही हूँ, और एक रोल बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा, डांस भी बहुत अच्छा किया और इन्होंने एक्सप्रेशन बहुत अच्छा दिया। तो मैं बोला ना कि हम स्टेप गड़बड़ा जाएगा एक्सप्रेशन सही रहेगा, तो मैंने देखा है कि गाने में स्टेप्स के साथ साथ एक्सप्रेशन की बहुत ज़रूरत रहती है, क्लोज में स्टेप्स कम नज़र आते हैं एक्सप्रेशन ज़्यादा ही नज़र आते हैं, तो हमने उस पर ज़्यादा ध्यान रखा था थोड़ा सा। डांस आपने आज ही सीखा या पहले आप सीख रहे थे? बस सीख तो मैं बचपन से रहा हूँ, बस घर ही में नाचता हूँ, अभी भी नाच रहा हूँ, बीवी नचा रही है मैं नाच रहा हूँ, और जब ज़रूरत पड़ती है बाहर तो नाच लेता हूँ,
और कोशिश ये है, कभी ध्यान नहीं दिया डांस पे, नहीं तो एक कॉलेज के समय में बहुत अच्छा डांसर हुआ करता था मैं। कहो ना प्यार के गाना था उसमें, तो मैं कितने डांस किए हैं, हर सरस्वती पूजा में स्पेशल डांस के लिए जाता था मैं। लेकिन बीच में जब शुरू हुई स्ट्रगल, तो हमारे एक मिल गए मित्र जो हमें एक्टिंग के लिए बोला कि देखो एक्टिंग करना तो सब छोड़ दो, तो हमने सब छोड़ दिया। तब से तो बॉडी वैसी हो गई, ना हिल पाता ना हिला पाते वाला हिसाब। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इनको हिलाने से ये हिल जाते हैं। अभी जैसे बाल गोपाल की बात हो जाए, अभी आपके रियल लाइफ में भगवान ने बाल दिया है, बाल गोपाल को दिया, और यहाँ आज फिल्म में भी वही सीन चल रहा था, तो इसीलिए तो सीख रहा था, तो ही तो एक्सप्रेशन आ रहा था, क्या लग रहा है मेरा बचवाया, और सुसु भी कर दिया है फेस पे, मतलब ऐसा शॉर्ट था, पर वो सब देख रहा हूँ रोज आजकल घर में चलता ही रहता था, मैं वो एक्सप्रेशन बड़ा उसी हिसाब से देता हूँ, रियल एक्सप्रेशन मिल गया है तो अच्छा है। और देखिए बच्चा 1 साल का है, बहुत तंग किया हम लोगों को शुरू में, तो बेचारा इतना रो रहा था कि हमारा शॉट ही नहीं हो रहा था, फिर वो सो गया तो हमारे एक शॉट किया। और मैं यही बोलूँगा कि देखिए सिनेमा जो होता है कहीं ना कहीं रियल लाइफ से जुड़ी हुई कहानियाँ होती हैं, रियल लाइफ से ही सारे हम लोग सीख के ही हम रिएक्शन दे रहे हैं, तो घर में बच्चा जो आया है बहुत सही टाइम पर आया, मैं ये रोल कर लूँगा। फिल्म के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो देखिए बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, और खास करके इन्होंने जैसे बोला कि हम सब प्रोड्यूसर ही समझ लीजिए इस फिल्म में, एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं सब कलाकार वलाकार, सब कलाकार मिल के सब लोग दोस्त यार हैं, सब एक परिवार हैं। और राकेश त्रिपाठी जी की कहानी है, राकेश सिन्हा जी डायरेक्टर हैं, और प्रोड्यूसर साहब हैं हमारे, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। और हम एक जैसा कि टाइटल है फिल्म का जिया हो जुग जुग जिया हो ललनवा, तो टाइटल से आप समझ जाइए कि अगर टाइटल इतना प्यारा है तो कहानी कितनी अच्छी होगी। राकेश त्रिपाठी जी जो कहानी लिखी है, जो जिन्होंने उनको अभी संघर्ष के लिए अवार्ड मिला आप सबको पता है, तो वो ऐसी मार्मिक कहानियों के बादशाह हैं, बहुत प्यारी प्यारी इमोशनल सब्जेक्ट के मतलब बहुत अच्छा लिखते हैं, उनकी पकड़ है इस पर, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है काम करके अभी इस फिल्म में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर।